हेलो दोस्तों, मास्टर स्टडी की इस ऑनलाइन दुनिया में मैं अरुण शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, कल जो पार्ट हमने पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आदि ऐतिहासिक काल आया, और आदि ऐतिहासिक काल में हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी उसके बाद हम वैदिक काल पे आए थे, और वैदिक काल में हमने इनको दो पार्ट में विभाजन किया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज हम छोटा सा पार्ट पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल का, मानो एक परिचय रहेगा। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल आज अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल, देखिए उत्तर वैदिक काल का जो समय है, उत्तर वैदिक काल का समय माना गया है मित्रों 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है। उत्तर वैदिक काल का जो समय माना गया है कब से कब तक माना गया है, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक हमारे उत्तर वैदिक काल का समय माना गया है दोस्तों। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार एग्जाम में हम देखते हैं कि भाई आर्यों के कलर से संबंधित बातें उठती हैं, है ना, द्रविड़ लोगों के कलर से संबंधित बातें उठती हैं। तो द्रविड़ लोग थे ये काले रंग के हुआ करते थे मित्रों, कैसे रंग के हुआ करते थे, काले रंग के हुआ करते थे, और जो आर्य थे ये सफ़ेद रंग के हुआ करते थे। ठीक है, इनका देखो पहले क्या था कि हारने वाला शासक जीतने वाले शासक से अपनी कन्याओं का विवाह करता था। ठीक है, तो हमारे जो पूर्वज थे आर्य लोग, उन्होंने द्रविड़ लोगों की कन्याओं से विवाह किया, अर्थात हमारी जो पूर्वज माताएं थीं उनका कलर कैसा था, काला रंग था, और हमारे जो पूर्वज पिता थे उनका रंग था सफ़ेद, और बीच में जो कलर का कॉम्बिनेशन आया वो था गेहूं का रंग। तो वर्तमान में हमारे जो भारत के अंदर ज़्यादातर जो समाज के लोग हैं वो गेहूं के रंग के हैं, वो इसका रीज़न यही है क्योंकि हमारे पूर्व में जो हमारे प्राचीन काल में माताएं थी वो द्रविड़ संप्रदाय से थी, और पिता थे वो कौन से संप्रदाय से हुआ करते थे, आर्य संप्रदाय के हुआ करते थे। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखिए उत्तर वैदिक काल की यदि हम बात करें, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी दोस्तों कर्म पर आधारित हो गई थी। किस पर आधारित हो गई थी, कर्म पर, सॉरी, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित हो गई थी, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में ये किस पर आधारित थी, कर्म के आधार पर थी। जन्म के आधार पर मतलब ये है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला क्या हो गया, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय के घर में जन्म लेने वाला क्षत्रिय हो गया, वैश्य के घर में जन्म लेने वाला वैश्य हो गया, और शूद्र के घर में जन्म लेने वाला शूद्र हो गया। मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल भार्गव के अनुसार जो शूद्र है ये क्या बताए गए हैं कि ये युद्ध में जीते हुए बंदी होते थे, अर्थात जो आर्यों से युद्ध में पराजित हो गए उनको ये दंडित नहीं करते थे, एक प्रकार से रोजगार के रूप में खाना पकाने का कार्य देते थे शाही भोजनालय में। तो अर्थात जो भोजन पकाने का कार्य करता था, मैंने विधिक वैदिक काल में आपको बताया था, उसे शूद्र कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जन्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था हो गई। भाई ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला क्या हो गया, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय के घर में जन्म लेने वाला क्षत्रिय हो गया, वैश्य के घर में जन्म लेने वाला वैश्य हो गया, और मित्रों शूद्र के घर में जन्म लेने वाला क्या हो गया, शूद्र हो गया था। अब यहां से देखिए आगे चलते हैं, उत्तर वैदिक काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था से आशय है कि इसमें मनुष्य जीवन को चार भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, चार भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक पे हम देखें तो जन्म से और 25 वर्ष की आयु तक का जो समय है वो ब्रह्मचारी आश्रम में बोला जाएगा, अर्थात इस काल में जो बच्चा है ये जन्म से और 25 वर्ष की आयु तक गुरु के आश्रम में रहेगा, जब तक जब से वो शिक्षा लेने के काबिल हो जाए। कहाँ रहेगा, गुरु के आश्रम में रहेगा, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेगा। ठीक है, नंबर दूसरा स्टेप आता है 25 से 50 वर्ष की आयु तक। 25 से जो 50 वर्ष की आयु होती है दोस्तों, इसे कहा जाता है गृहस्थ आश्रम।
क्या बोला जाता है दोस्तों? गृहस्थ आश्रम बोला जाता है। गृहस्थ आश्रम में ये क्या करेगा? इसका विवाह होगा और ये वैवाहिक जीवन को अपने पूर्ण तरीके से निभाने का प्रयास करता था। इसके बाद तीन नंबर पे आएगा, 50 से 75 वर्ष की आयु तक ये जो काल होता है ये होता है वानप्रस्थ आश्रम। क्या होता है दोस्तों? वानप्रस्थ आश्रम, अर्थात इसके पास अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां होंगी उन सभी जिम्मेदारियों को अपने बच्चों को समर्पित करके ये इन जिम्मेदारियों से फ्री होगा। और चार नंबर पे है 75 वर्ष से और मृत्यु तक, ये जो काल होता है ये कहलाता है आपका संन्यास आश्रम। ये जो काल कहलाता है ये क्या कहलाता है मित्रों? संन्यास आश्रम कहलाता है। इसमें जो व्यक्ति हैं वो अपनी जो कार्य हैं, अपना जो जिम्मेदारियां हैं, अपने बच्चों को सौंपकर और अपने जंगल में संन्यास व्यतीत करने के लिए चला जाता है और मृत्यु तक वहीं पे रहता है। वहां पर तपस्या करता है, आराधना करता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल में वैसे तो विवाह के 8 प्रकार होते हैं, लेकिन 8 प्रकार के अलावा, जो 8 प्रकार हैं वो आपको एक छोटी सी वीडियो बनाकर उसमें समझाए जाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं अभी एसएससी में आए थे, एक विवाह होता है अनुलोम विवाह। एक विवाह क्या होता है? अनुलोम विवाह बोला जाता है मित्रों इसे। एक होता है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ग का पुरुष हो और निम्न वर्ग की कन्या हो, या पुरुष को आप वर भी लिख सकते हैं, उच्च वर्ग का वर हो और निम्न वर्ग की कन्या हो, इस विवाह को कहा जाता है अनुलोम विवाह। इस विवाह प्रणाली को क्या कहा जाता है? अनुलोम विवाह प्रणाली कहा जाता है या अनुलोम विवाह कहा जाता है। दूसरा है प्रतिलोम विवाह, इसमें निम्न वर्ग का वर हो और उच्च वर्ग की कन्या हो, इस विवाह को कहते हैं प्रतिलोम विवाह। इस विवाह को क्या कहा जाता है? प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। तो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर है। अब यहां पर आप देखिए, यदि हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों समस्त प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई है। मैंने ऋग वैदिक काल में बताया था कि ऋग वैदिक काल में केवल एक ही वेद की रचना हुई थी जिसे कहते हैं ऋग्वेद, ठीक है। बाकी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद आदि समस्त वेदों की जो रचना है वो कौन से काल में हुई है? उत्तर वैदिक काल में हुई है। कौन से काल में हुई है मित्रों? उत्तर वैदिक काल में हुई है, क्लियर हो गया। अब जो उत्तर वैदिक काल है अपना, इसमें मैंने कहा कि सामवेद का जन्म हुआ, अर्थात सामवेद लिखा गया या सामवेद का निर्माण हुआ। सामवेद को दोस्तों भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है मित्रों? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। कौन से वेद को कहा जाता है? सामवेद को। जैसे हमारे जो सारे गामा पा है, सारे गामा पा, ये जो वर्ड है संगीत के, ये कहाँ से लिए आए हैं? ये सामवेद से आए। देखो मैं यहां पर एक आपको अग्रोहा हरियाणा,
यहाँ की एक छोटा सा तथ्य बता देता हूँ कि वैदिक कालीन जो सारे गामा पा की मोहरे हैं वो अग्रोहा हरियाणा से भी प्राप्त हुई है हमें, अग्रोहा हरियाणा याद रखना है आपको। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा है यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों विधाओं में रचित है। कैसे हैं? गद और पद, गद और पद का अर्थ होता है, अर्थात इसमें श्लोक भी है और कहानियों के रूप में भी ये लिखा गया है। ठीक है, देखिए जिस शैली में जिस लिखावट में गद और पद का प्रयोग होता है उसे कौन सी शैली कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे अभी तक पूछा गया है कि गद व पद दोनों विधाओं में रचित वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद है। ठीक है दोस्तों, भाषाएं तो क्या थी इसकी? संस्कृति थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यजुर्वेद की शैली कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, यजुर्वेद की शैली पूछा जाए कि किस शैली में लिखा गया है, तो गद और पद दोनों शैली जो लिखावट का मिश्रण होता है, लिपि का जो मिश्रण होता है, तो इसे कहते हैं चंपू शैली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस ग्रंथ में गद और पद दोनों विधाओं का सम्मिलित रूप से प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? चंपू शैली कहा जाता है। मित्रों क्या कहा जाता है? चंपू शैली कहा जाता है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे, चलो पहले देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो भी लोहे को नहीं जानते थे। अब कई बार अपन फ्लो फ्लो में बोल जाते हैं कि हमने वैदिक सभ्यता में लोहे को खोज लिया था, भाई ये बात बिल्कुल एक मायने में सही भी है और एक मायने में गलत भी है। सही कैसे है? हाँ ठीक है, काल तो वैदिक काल ही है, लेकिन खोजा कब गया? तो 1000 ईस्वी पूर्व में खोजा गया था। ठीक है, कब खोजा गया? 1000। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लोहे की खोज कब हुई? वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस कंडीशन में एग्जैक्ट लोकेशन वाली जगह बोल देखनी हमें, तो 1000 ईस्वी पूर्व में कौन सा काल शुरू हो गया? उत्तर वैदिक काल। और लोहे की खोज हुई थी उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में हमने पढ़ा कि आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? इंद्र था। लेकिन दोस्तों उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख देवता था प्रजापति। कौन थे उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता? कौन बन गए थे मित्रों? प्रजापति बन गए थे। और प्रजापति की दो पुत्रियां सभा और समिति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। देखिए दोस्तों सभा जो है सामान्य लोग यहां पर बैठते थे, समिति केवल विशेष लोगों का बैठने का स्थान होती थी जिसमें केवल विशेष लोगों की सभा होती थी। ठीक है, विशेष लोगों जैसे राजा के मंत्री वगैरह यहां पर समिति में बैठते थे और सभा समस्त आम लोग भी यहां पर सभा में आ सकते थे। देखिए वैदिक सभ्यता में इन दो के अलावा एक संस्था और काम करती थी जिसका नाम था विदत। यह आपको याद रखना है, विदत। देखो एक वर्ड आता है वैदिक काल में जिसे हम कहते हैं गो। गो से बहुत सारे वर्ड बने, जैसे गो से ही बना गाय, गोधूम, गविष्ठी। गाय, गोधूम, गविष्ठी। ठीक है, गाय अर्थात गाय को हमने देखो, गाय तो हमारी सबसे पूजनीय पशुओं में आती है। ठीक है, और गाय को हम अघन्या कहते हैं। ठीक है, गोधूम का अर्थ है गेहूं, गोधूम का अर्थ है गेहूं, और गविष्ठी का अर्थ होता है गायों की खोज।
गविष्टि का अर्थ क्या होता है? गायों की खोज होती है। क्या होती है? गायों की खोज। और इसमें दुहित्री शब्द का भी उपयोग हुआ है, और दुहित्री शब्द का उपयोग गाय को धोने वाली बेटी के लिए उपयोग में लिया गया है। अर्थात वैदिक काल में बेटी के लिए कौन सा दुहित्री शब्द का उपयोग किया गया था? कौन सी शब्द का उपयोग किया गया था? दुहित्री शब्द का उपयोग किया गया था। तो आशा है समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे देखते हैं, अब थोड़ा देवताओं का जिक्र कर लेते हैं कि भाई कौन सा देवता किसका रहा करता था। जैसे हम देखते हैं भाई इंद्र को किसका देवता कहा जाता था? इंद्र को कहा जाता था दोस्तों वर्षा का देवता। ठीक है, वर्षा का देवता किसे कहा जाता? इंद्र को। लेकिन दोस्तों इसे जल का देवता नहीं कहा जाता था, तो फिर जल का देवता किसे कहा जाता था? तो देखिए जल का देवता कहा जाता था वरुण को। अब पिछली बार तो एसएससी वालों ने कमाल ही कर दिया। कमाल कैसे किया? थोड़ा सा ध्यान देना। एग्जाम में दे दिया भाई नीलाग्रह किसे कहा जाता है। अब बेसिकली तो सभी पढ़ते आ रहे नीलाग्रह पृथ्वी को कहा जाता है जल की अधिकता के कारण। ऑप्शन में तो पृथ्वी था ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन में पृथ्वी नहीं था तो उन्होंने आंसर किसे माना? वरुण को माना। उन्होंने क्या कहा कि नेपच्यून है। क्यों है? क्योंकि बोले कि वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल में दोस्तों इसे जल का देवता कहा गया है, इसलिए हमने तो उसे मान लिया। मतलब ये जीके में अलंकार का प्रयोग भी करने लगे। अलंकारकार समझते हो? अलंकार किसे कहते हैं? जिस प्रकार से आभूषण धारण करने से नारी की शोभा में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से काव्य की शोभा में चार चांद लग जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा उपमा दी गई, अब ये उपमा भी एक अलंकार है। क्या है? जहां उपमे में उपमान की भ्रांति हो जाए या गलती से उपमे को उपमान समझ लिया जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे अभी अभी ये यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था, सौर मंडल का सबसे बड़ा चांद कौन सा है? टोटली कंफ्यूज। सौर मंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद कौन सा है? कंफ्यूज तो होने थे, बोले यार चांद तो एक ही है और ऑप्शन ए में चंद्रमा था। बोले मिसप्रिंट हो गया, चांद 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 पे टिक लगा दिया। लेकिन उसमें दूसरा ऑप्शन था गैनीमेड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। मेरे भाई सौर मंडल में कुल 8 भाई हैं, मतलब 8 ग्रह हैं और उनके बहुत सारे बच्चे हैं। प्रत्येक माँ बाप के लिए अपनी संतान चांदी होती है, क्लियर है? तो बृहस्पति के भी 79 चांद हैं। भाई जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार बृहस्पति का उपग्रह भी बहुत सारे हैं। और सौर मंडल का, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद जो है वो कौन सा है? गैनीमेड है। इसलिए उसमें आंसर क्या माना गया उन्होंने? गैनीमेड। तो अपने दिमाग को खोल के एग्जाम करना है, क्लियर है? अब आते हैं वापस। तो जल का देवता किसे कहा गया है? वरुण को कहा गया है, हो जाएगा क्लियर? अब आता है वनस्पति का देवता। देखिए पेड़ पौधों और वनस्पति का देवता किसे कहा गया है? तो वनस्पति का देवता मैंने बताया था सोमरस, याद आया होगा आपको सोमरस, वनस्पति से बना हुआ पदार्थ। इनके देवता सोम का प्रिय पदार्थ था, सोम का प्रिय पेय पदार्थ था। अर्थात वनस्पति का देवता किसे कहा गया है? देवता सोम को कहा गया है। आंधी या तूफान का देवता किसे कहा गया है? तो आंधी या तूफान का देवता मरुत को कहा गया है। मरुत, मरुत है, मारुति नहीं है। मारुति तो हनुमान जी का पर्यायवाची है, ठीक है? मारुति तो किसका पर्यायवाची है? हनुमान जी का पर्यायवाची है, क्लियर है? मरुत को आंधी तूफान का देवता कहा गया है। लेकिन एग्जामिनर तो थोड़ा सा सटका हुआ है, उसने पूछ लिया कि भाई पशुओं का देवता किसे कहा गया है? लोग कह रहे हैं पशुपतिनाथ, 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 नहीं है भाई, ठीक है? क्या है? इसे कहा गया है पूषण को।
पूषण को क्या कहा गया है? पूषण को कहा गया है पशुओं का देवता। जितने भी पशु हैं उनका देवता किसे कहा गया है? पूषण को कहा गया है भाई। क्लियर है? और यहां पर मैंने एक वर्ड उपयोग में लिया था दोस्तों, प्रजापति। कौन से पति हैं ये? प्रजा के पति। और ये उपाधि कौन से देवता को मिली है? प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? ब्रह्मा जी को। तो आशा करता हूँ आज की छोटी सी क्लास में आपको काफ़ी हद तक जो टॉपिक एग्जाम में आते हैं वो क्लियर हुए होंगे। कल हम मिलते हैं नए एक छोटे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लगातार हमारी टीम से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।